भोजपुरिया शेर पवन सिंह जी, हाँ ऐसा कहा जाता है, उनके फैंस उन्हें भोजपुरिया शेर कहते हैं। आपको बता दें कि इस भोजपुरिया शेर के लिए ये कहा जा रहा है कि इनका दो गाना, जी हाँ हम आगे बताएंगे वो दो गाने कौन से हैं, ये दो गाने इतना बवाल मचा कर रखा है कि इन दोनों के आगे भले ही किसी का कितना भी बड़ा गाना हो वो फेल हो जा रहा है। तो वो दो गाने हैं मीठा मीठा बातें कमरिया, महादेव का दीवाना हूँ। आप कहेंगे कि महादेव का दीवाना तो सावन बीत गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महादेव का दीवाना अभी भी बहुत ही ज़्यादा सुना जा रहा है। जी हाँ सावन बीत चुका है, लेकिन सावन के बाद भी ये गाना सुना जा रहा है और इसे पवन सिंह की दीवानगी ही कहेंगे आप, गाने के प्रति उनका लगाव। क्योंकि हम आपको एक और बात बताने वाले हैं इससे जुड़ी हुई। दीपक सिंह कहते हैं कि पवन सिंह जब स्टूडियो में गाना गाते हैं तो उनके साथ 4-5 लोग स्टूडियो में रहते हैं और वो पर पर्सन से पूछते हैं कि आपको गाना कैसा लगा। कोई भी उनसे अगर ये कहता है कि गाना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बता दें सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या गाना सुनने के बाद सभी कहते हैं कि पवन सिंह को वाकई गाना बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर एक गाने को 4 से 5 बार गाते हैं जब तक वो खुद संतुष्ट ना हो जाएं कि गाना बहुत अच्छा बना है, तब तक वो गाने को इस तरह से नहीं छोड़ देते कि जाने दो मैं तो चाहे जैसे गा लूं गाना तो अच्छा ही होगा। लेकिन पवन सिंह सोचे, इतना बड़ा सिंगर, पवन सिंह जैसा बड़ा सिंगर जिसकी आवाज़ में खुद सरस्वती का वास है, लोग कहते हैं कि पवन सिंह कैसे भी गा देते हैं गाना बहुत खूबसूरत हो जाता है, उस जैसा बड़ा सिंगर जब अपने गाने को 100% देता है तो किस लिए, सिर्फ अपने फैंस के लिए। आपको यहाँ हम ये भी बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नए लेवल तक पहुँचाने में पवन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। पवन सिंह ने पिछले 1 से 1.5 सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी गाने हैं उनकी क्वालिटी को बहुत बदला है और उनकी ही देखा देखी लोग आज अपने एल्बम्स गानों में क्वालिटी देते हैं, अपने फैंस के लिए एक अच्छा फीचर देते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन हम यहाँ महादेव का दीवाना और मीठा मीठा बातें कमरिया की बात करें तो दोनों रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी हाँ 80 मिलियन व्यूज़ हो चुका है मीठा मीठा बात है कमरिया का और महादेव का दीवाना का 40 मिलियन, जो कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।